तहसील विकास नगर अंतर्गत विधोली ग्राम पंचायत में अवैध कब्जे पर तहसील प्रशासन का पीला पंजो चला। तहसील विकास नगर की टीम ने तहसीलदार चमन सिंह की अगुवाई में विधोली क्षेत्र में अवैध रूप से बने ढाबे, रेस्टोरेंट, मैगी पॉइंट सहित अवैध कब्जों को जेसीबी मशीन की मदद से हटाया। विकास नगर तहसीलदार ने बताया कि विधोली क्षेत्र में पुलिस के साथ संयुक्त टीम के रूप में कार्रवाई की गई है, जिसमें ग्राम सभा की भूमि पर 18 अवैध व स्थायी अस्थायी निर्माण जैसे रेस्टोरेंट, मैगी पॉइंट, ढाबों का जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया। और साथ ही बताया गया कि इन सभी अवैध व अस्थायी निर्माण करने वालों को तहसील विभाग की तरफ से पूर्व में एक नोटिस भी दिया जा चुका था और कहा कि अस्थायी अवैध निर्माण के साथ साथ अवैध प्लॉटिंग के ध्वस्त करने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ग्राम समाज व राज्य सरकार की भूमिका पर अवैध कब्जे से कब्जा जो है वो मुक्त कराया जाएगा, तो सरकार की भूमि पर जो अवैध कब्जा किया हुआ है उसको भी कब्जा मुक्त कराया जाएगा।